बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर खूब चर्चे हो रहे हैं। बहुत लोग उनके समर्थन में हैं, तो बहुत सारे उनके विरोध में। अब ज्योतिष पीठ के प्रमुख शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद ने भी बड़ा बयान दिया है। हालांकि उन्होंने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इशारों ही इशारों में कहा कि ऐसा कोई चमत्कार करने वाले हैं तो जोशी मठ में दरार आ गई है, उसे जोड़ दें, हम उन पर फूल बरसाएंगे। सारी जनता चाहती है कि कोई चमत्कार हो जाए, हम उनको फूल बिछाएंगे कि आओ और ये जो मकान में दरार आ गई है, हमारे मठ में आ गई है, उसको जोड़ दो। नहीं समझे, हम फूल बिछा करके उनको ले आएंगे और फिर झुक करके पलकों पर बिछा करके उनको वापस करेंगे। दिखाओ ना चमत्कार, हम लोग तो सारे देश की जनता चमत्कार चाहती है कि कोई चमत्कार हो जाए। कहाँ हो रहा है चमत्कार? एक नारियल जो पहले से हम लाए हैं उसमें से हम चुनरी निकाल दें, ये कौन सा? अच्छा मान लो चुनरी नहीं, उससे सोना निकल जाए गोला, उससे जनता का क्या भला होगा? तो जो चमत्कार हो रहे हैं वो जनता की भलाई में अगर उनका कोई विनियोग हो तो हम उनके जगह जगह कार्य करेंगे, नमस्कार करेंगे, और नहीं तो ये चमत्कार जो है छलावा है, इससे ज्यादा कुछ। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद ने धर्मांतरण को लेकर भी अपना पक्ष रखा और इसे सीधे सीधे राजनीति से जोड़ दिया। हालांकि जब छत्तीसगढ़ के मंत्री कवासी लखमा और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बीच धर्मांतरण के मुद्दे पर हुए जुबानी जंग को लेकर पूछा गया तो उन्होंने मंत्री जी का पक्ष लिया और धीरेन्द्र शास्त्री के दावे पर सवाल खड़े कर दिए कि अगर किसी राजनेता ने यह कह दिया कि धर्मांतरण को अपने चमत्कार से रोक दीजिए तो हम मान जाए, तो अच्छा ही कहा, इसमें क्या खराबी? अगर कोई चमत्कारी है तो रोक दे, सही तो है, चमत्कार इस क्षेत्र में दिखाओ ना। वही तो हम कह रहे हैं कि अगर आपके पास ऐसी कोई अलौकिक शक्तियां आ गई हैं जिनसे आप जादूगर की तरह से जादू की छड़ी घुमा करके कुछ कर सकते हैं अचानक, तो आप कर दीजिए। हम लोग तो वैसा जादू नहीं जानते, वैसा चमत्कार नहीं जानते, लेकिन अगर कोई है ऐसा चमत्कारी पुरुष तो धर्मांतरण रोक दे। आपको बता दें कि आजकल बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर खूब बहसबाजी हो रही है। दावा है कि नागपुर में धीरेन्द्र शास्त्री को अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति वालों ने दिव्य दरबार करने की चुनौती दी थी। हालांकि इसके बाद आरोप लगे कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री दो दिन पहले ही अपनी कथा खत्म करके वापस आ गए। इसके बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए समिति वालों से रायपुर के दिव्य दरबार में आने की चुनौती दे डाली। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।